बिहार के सियासत की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी के विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है और बीजेपी नीतीश कुमार को अपना समर्थन देगी। हमारे साथ गणेश जुड़ेंगे और बताएंगे कि इस वक्त बिहार की सियासत में अगर बीजेपी समर्थन दे देती है तो आगे क्या होगा। गणेश देखिए ना, बीजेपी की बैठक चल रही थी, पहले जो बैठक चली उस बैठक के बाद सहमति बनी कि अब विधायकों से बात की जाए। जी, विनोद तावड़े इसके लिए पटना पहुंचे थे और अब जो बड़ी खबर है वो एक खबर ये है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को समर्थन देने के मुद्दे पर मुहर लग गई है। यानी यह तय हो गया अब बीजेपी के विधायक खुलकर नीतीश कुमार के समर्थन में बातें करेंगे। नीतीश कुमार को समर्थन देने के मुद्दे पर अब आधिकारिक तौर पे बैठक में मुहर लग गई है, बयान आने बाकी है। लेकिन जो बैठक के अंदर जो हमारे लोग बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी के सामने प्रस्ताव लाया गया, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद थे, बिहार बीजेपी के प्रभारी मौजूद थे और इनकी उपस्थिति में बिहार के सभी विधायक पहुंचे हुए थे। विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में दोनों हाउस के नेता, विरोधी दल जो अभी हैं, उनकी मौजूदगी थी और उनकी मौजूदगी में यह प्रस्ताव लाया गया कि हमारी बात नीतीश कुमार को के साथ गठबंधन करने की हो चुकी है और हम अब अपना समर्थन नीतीश कुमार को देंगे और नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत करेंगे और नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता मानने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है और अब सभी विधायकों का जो समर्थन पत्र होगा उसे लेकर नीतीश कुमार को सौंप दिया जाएगा और नीतीश उसे लेकर गवर्नर हाउस कल जाएंगे। जो हम कह रहे थे ध्यान, फर्स्ट बिहार आपको सुबह से बता रहा था कि कल नीतीश कुमार गवर्नर हाउस जाएंगे, कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, कल नीतीश कुमार अपना समर्थन पत्र देंगे और कल ही दोपहर के बाद शपथ ग्रहण भी होगा। आज ये तय हो गया है बैठक के अंदर कि किस तरीके से शपथ ग्रहण करनी है। आरजेडी को हटाकर नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने ये बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनाने के लिए, क्योंकि जब कोई भी पार्टी किसी को अपने विधानमंडल दल का नेता चुन लेती है तो वह व्यक्ति उस हाउस का, दोनों हाउस का सुपीरियर हो जाता है और वह व्यक्ति सीएम होता है। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपना बीजेपी नीतीश कुमार को विधानमंडल दल के नेता के तौर पर आज चुन लिया है। अब देखिए, ये बीजेपी के अंदर बैठक हुई है, विधायकों को कह दिया क्या है, कल जब जेडीयू की बैठक होगी और नीतीश कुमार समर्थन पत्र लेकर राजभवन जाएंगे, वह उसके पहले जेडीयू के विधायकों के बीच बीजेपी के विधायक एक साथ बैठेंगे और सभी मिलकर नीतीश कुमार को सदन का नेता चुनेंगे, विधानमंडल दल का नेता चुनेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार प्रस्ताव लेकर गवर्नर हाउस जाएंगे और इस्तीफा देकर नई सरकार के गठन की कवायद कर देंगे। जी बिल्कुल, यानी कि गणेश अब साफ हो चुका है बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ चुके हैं, बीजेपी ने प्रस्ताव भी पास कर दिया है और अब आरजेडी सत्ता पक्ष से हट जाएगी, विपक्ष में हो जाएगी। गणेश, आज रात राष्ट्रीय जनता दल की आखिरी रात होगी सत्ता में। जी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल इस बात पे अड़ी हुई है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। 2017 में जिस तरीके से वो जीत पे अड़े हुए थे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, नीतीश कुमार को जो कर रहा है करें, फिर नीतीश कुमार आरजेडी कोटे के सभी विधायकों को बर्खास्त कर दिए और यही बात तेजस्वी चाहते हैं कि वो जनता के बीच, लोगों के बीच पहुंचेंगे और लोगों की सहानुभूति लेने का काम करेंगे कि हम सरकार में साथ खड़े थे, हमको नीतीश कुमार ने निकाल दिया तो इसकी जो माइलेज है वो मिलेगा। ये कोशिश में वो जुटे हुए हैं, इस कोशिश में उनको कितनी सफलता मिलेगी वो तो वक्त देखना। ये भी है कि आरजेडी और जेडीयू की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई है। हमने मुख्य प्रवक्ता का भी बयान सुनाया था जहां पर खास तौर पर नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो जमीन लेती है और नौकरी देती है। 10 दिन पहले वही नीरज कुमार है जो आरजेडी के गुणगान गा रहे थे, नीतीश कुमार लालू परिस्थितियां बदल गई है, नया परिस्थितियां बदल गई है, गठबंधन बदल गया और नेताओं के बोल बदल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब जो बीजेपी नीतीश कुमार को कोस रही थी चौराहे पे खड़े होके, एक दिन पहले पटना के सड़क पे, बिचन पटेल पथ के सड़क पे ट्रॉली, मतलब ट्रेलर पे, ट्रक पे खड़ा होके जो सम्राट चौधरी कोस रहे थे, आज गले लगाने के लिए तैयार है, हो चुके हैं। तो तस्वीरें बदल गई है, सिनेरियो बदल गया, बिहार की सियासत बदल गई है और सीधे तौर पे अब
बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को विधानमंडल में समर्थन देने का प्रस्ताव मान लिया है। बीजेपी ने अपने विधायकों को सहमति ले ली है, प्रस्ताव पास होगा, नीतीश कुमार के पास सौंपा जाएगा और फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि बीजेपी का जो गठबंधन है उसका नाम है एनडीए गठबंधन, तो उस गठबंधन की बैठक होगी और उस गठबंधन के बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देने जाएंगे। नीतीश कुमार इस्तीफा देकर वापस लौटेंगे और उसके बाद बैठक हो सकती है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले यह बैठक होनी तय है। और बैठक जब होगी तो नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार शपथ के लिए जाएंगे, उसमें नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के भी नेता जाएंगे। ये कल हो सकता है। आसान से समझाते कि कल पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, नीतीश कुमार उनसे सहमति लेंगे, उनको अपना जो पूरा जो प्लानिंग है वो बताएंगे, उसके बाद नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों को छोड़ के एक दो लोगों को साथ लेकर राजभवन चले जाएंगे, वहां वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, वापस चले आएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार के वापस आते ही बीजेपी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया जाएगा और वहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें जेडीयू बीजेपी हम के जो विधायक है विधानमंडल दल के वो सभी मौजूद होंगे, विधानमंडल दल के नेता नहीं है लेकिन गठबंधन के नेता है तो वो हो सकते हैं, लेकिन विधानमंडल दल की बैठक में इस बात पर मुहर लगेगी। और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के जो नेता होंगे, जो सूत्रधार होंगे, जिनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी, वो सभी प्रस्ताव लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जा सकते हैं और नीतीश कुमार के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी जाएंगे, उमेश कुशवाहा और उनके सहयोगी भी जा सकते हैं। तो गवर्नर हाउस सभी पार्टियों के नेता एक साथ जाएंगे और उनका उनको अपना समर्थन पत्र देंगे। जीताराम मांझी कल महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे, क्योंकि जीताराम मांझी कल नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी पर बैठे जा रहे हैं और नीतीश कुमार जीताराम मांझी को अपने साथ लेकर फिर जाएंगे बीजेपी के नेताओं के साथ और वहां जाकर समर्थन दिया जाएगा और फिर शपथ ग्रहण कुछ देर बाद शुरू कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्लान सेट है, बीजेपी की सहमति बन गई है नया और बीजेपी ने अपने विधायकों को इस बात की जानकारी दे दी, ऑफिशियल जानकारी दे दी कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। यानी कि कुल मिलाकर आज का दिन निर्णायक रहा, नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपना समर्थन दे दिया है, यानी कि प्रस्ताव पास हो गया है। कल का दिन अहम होने वाला है, कल सारे जो काम है वो किए जाएंगे, नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और उसके बाद बीजेपी जो अपना प्रस्ताव पास किया जहां पर नीतीश कुमार को समर्थन दिया गया है, कल बिहार में एक नई सरकार होगी और वो सरकार एनडीए की होगी। तेजस्वी यादव बाहर हो जाएंगे सरकार से, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और तमाम मंत्री कल मंत्री नहीं रहेंगे, कल वो मात्र विधायक रहेंगे, आरजेडी के एक कार्यकर्ता रहेंगे। कल की तमाम खबरें हम आपको बताएंगे और अब से लेकर के जितनी भी खबरें आती है बिहार की सियासत में, बिहार की सियासत क्या कुछ रूप लेती है, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।